बड़ी खबर ये आ रही है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा डिप्टी एक्साइज कमिश्नर को रंगे हाथों पकड़ा गया है 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ। ये खबर जो है एक्साइज डिपार्टमेंट से आ रही है, जहां पर विजिलेंस विभाग की जो है एक रेड हुई है और विजिलेंस विभाग द्वारा डिप्टी एक्साइज कमिश्नर को जो है रंगे हाथों पकड़ा गया है। जो अभी तक हमें खबर मिल पा रही है, ये डिप्टी एक्साइज कमिश्नर जो है इनका नाम मुराद शाह बताया जा रहा है, जो अभी तक खबर आ रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी अभी तक की डिटेल आ रही है कि 2 लाख रुपए की जो है रिश्वत के साथ जो है डिप्टी एक्साइज कमिश्नर को जो है रंगे हाथों पकड़ा है विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक ख़ास करके बात की जाए तो जिस तरह से स्टेट के अंदर करप्शन की बात की जाती है, तो करप्शन को लेकर जो है ये एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है विजिलेंस विभाग की तरफ से। आपको मैं कुछ दिन पहले की बात करूँगा तो विजिलेंस विभाग द्वारा पहले भी रेड की गई थी, जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर से जो है कुछ रिश्वत लेते हुए एक आदमी को भी रंगे हाथ पकड़ा गया था। और अब एक्साइज ऑफिस के अंदर जो है ये रेड की गई है और इसके अंदर जो है विजिलेंस विभाग ने डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, जो अभी तक हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर जिनका नाम मुराद शाह बताया जा रहा है, उनको रंगे हाथों पकड़ा है और उससे 2 लाख रुपए जो है उससे जो है रिश्वत की भी बात की जा रही है कि 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा था मुराद शाह, सैयद मुराद शाह जो इनका पूरा नाम है और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर। बड़ी खबर जम्मू से आ रही है जिसके अंदर एक्साइज विभाग को में जो है एक बार फिर से रेड हुई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कल एक्साइज विभाग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसके अंदर एक्साइज विभाग के कमिश्नर द्वारा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी और ये बताया जा रहा था कि काफ़ी जगह पे चेक रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की करप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद अपने दफ्तर के अंदर उस तरह से चेक नहीं रखा जा रहा था, जिससे कि अपने ही दफ्तर के अंदर अगर कोई रिश्वत लेने देने की मामला सामने आया है तो ये एक बड़ी चीज़ है। जहां पर एक्साइज विभाग की तरफ से बाकी जगहों पर रेड्स की जाती हैं, जैसे कि कुछ देर पहले जो ट्रेडर्स हैं चाहे इंडस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसके अंदर ये साफ किया गया था कि उनके ट्रेडर्स को जो है हरास किया जा रहा है बार बार एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से रेड करके। तो यही मेरा कल सवाल भी था एक्साइज कमिश्नर को, तो एक्साइज कमिश्नर द्वारा ये कहा गया कि ये हमारी एक इंस्पेक्शन होती है जिसको रेड का नाम दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि कॉपरेट करना भी है कि हैं अगर, और उसके अंदर जो है मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप बाकी जगह रेड कर भी रहे हैं तो अब सवाल आता है अपने डिपार्टमेंट का भी, क्या अपने डिपार्टमेंट में भी उस तरह से चेक रखा गया है। और दूसरी बड़ी चीज़, इस टाइम गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक साहब ने भी ये कहा है कि उनको स्टेट जो है करप्शन फ्री करनी है, तो करप्शन फ्री करनी है तो ये जो विभाग हैं इनके ऊपर साफ चेक रखना पड़ेगा कि आखिरकार विभाग जो हैं सरकारी विभाग वहाँ पर किसी तरह की करप्शन तो नहीं चल रही। अगर करप्शन चल रही है तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, जो गवर्नर साहब ने कहा भी था कि करप्शन फ्री स्टेट करनी है। एक्साइज डिपार्टमेंट में अगर डिप्टी एक्साइज कमिश्नर द्वारा ये चीज़ सामने आ रही है और विजिलेंस विभाग द्वारा एक रेड की गई है जिसके अंदर ये भी खबर आ रही है कि 2 लाख रुपए की जो है रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, तो अभी भी विजिलेंस विभाग द्वारा जो है रेड अंदर चल रही है विभाग डिपार्टमेंट के अंदर, और अभी तक पूरी बात सामने नहीं आ पाई है कि आखिरकार अंदर पूरी क्या बात हुई है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अगर बाहर आप रेड करते हैं एक्साइज विभाग के लोग और हर चीज़ पे चेक रखा जाता है, लेकिन अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी चेक रखने की ज़रूरत है कि कहीं अपने डिपार्टमेंट के अंदर तो नहीं इस तरह की चीज़ चल रही, जो गवर्नर साहब भी बार बार कह रहे हैं कि करप्शन फ्री स्टेट करनी है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की बात करें तो करप्शन के अगर मामले देखे जाएं तो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं और विजिलेंस विभाग काफ़ी अच्छा काम कर रही है। कुछ देर पहले
पीडब्ल्यूडी ऑफिस के अंदर भी एक रेड हुई थी, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर से इसी तरह से पैसे हैंटने की कोशिश की जा रही थी, रिश्वत ली जाने की कोशिश की जा रही थी, और उसमें भी विजिलेंस विभाग को एक बड़ी उपलब्धि सामने आई थी, और इस बार भी विजिलेंस विभाग को एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। ये पूरी अपडेट आप जो है जेके मीडिया पर देख रहे थे। इस खबर पर और भी जो अपडेट रहेगा हम आपको इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।